पहली अर्जी स्वीकार हुई है आदित्य मिश्रा की। आ जाए दूसरी, सिमरन माताजी में से सिमरन नाम की अर्जी स्वीकार हुई है और ये डी में ही बैठी हैं और लाल रंग का सॉल डाले हुए बैठी हैं सिमरन। सिमरन है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ ये डी तो है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसके बाद अगली आज्ञा नीरज। नीरज नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है, गले में गोमुखी होगी और बाएं तरफ में बैठा होगा, नाम नीरज होगा, गले में गोमुखी होगी। आ जाए है गोमुखी है, जरा देखिए बेटा गोमुखी है। हाँ 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 आजा आजा आजा, तोरी अर्जी स्वीकार, आजा 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 आजा। जय श्री राम। तुम कहीं भी बैठे रहना, ये वो दरबार है, आप तो आपके पूजनीय पिताजी सहित नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और पढ़े लिखे लोग जो विद्वान लोग हैं, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना, लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, हम कुछ नहीं जानते, पर बालाजी सब कुछ जानते हैं। आइए नजदीक माइक लीजिए, बोलिए बागेश्वर धाम की। कहां से आई मैया? नागपुर से। है? नागपुर से। तो आपने यहां नाम बताया था कि किसी? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? उनकी महिमा। वाह, पहली बार आई हैं? हाँ। धाम जाएंगी, नियम कर लेंगी? हाँ। नियम है लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद मंगलवार की पेशी करना जरूरी है। जाऊंगी। ठीक, हमने ये अर्जी लिख ली, आप अपने मन के क्वेश्चन बोलो, नजदीक आओ। हमने लिख लिया, पूछो क्या बात। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई बताता कि घर में पितर दोष है, कोई कुछ है, और हमारे यहाँ अकाल मृत्यु बहुत हो रही है और सबसे ज्यादा आदमियों को ही हानि पहुंच रही है। और कोई बात? और बस हमने लिखा तबीयत ठीक नहीं रहती, अकाल मौत होती, पूरा परिवार में उत्पात मचा हुआ है, अभी तक टोटल 5 अकाल मृत्यु हो चुकी है, 5 अकाल मृत्यु आपके यहाँ हो चुकी है, पितृ दोष है इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी तांत्रिक विद्या या मारण विद्या नहीं की गई है, पितृ दोष के कारण सीना का दर्द बनना व शरीर में जकड़न बनना, अचानक से मौत बन जाना, ऐसा हो रहा है, आगे नहीं होगा, पितरों का उपाय करवा दें, आशीर्वाद है। कहाँ पे करवाना पड़ेगा महाराज जी? त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। अभी पिछले साल करवाए थे हम लोग ब्रह्म कपाल में। ब्रह्म कपाल में हाँ, ये है बद्रीनाथ। ये मंत्र है घर की, आप नागपुर के नहीं है? सतना। हाँ, क्योंकि यहाँ आपके कुल के देवता है ही नहीं, नहीं यहाँ कुल के देवता नहीं है और आप नागपुर के नहीं है, यहाँ आपका निवास है, अभी कुछ दिन पहले आए हैं और जो है जी, तो ये जो है अन्य जगह आपका निवास है और वहां की मिट्टी लेकर के आप बागेश्वर धाम पहुंच जाइए, हम बंधन कर देंगे, आशीर्वाद है। महाराज जी कुल देवता कौन से हमारे जी? कुल देवता। आप किन की पूजा करते हैं? मैं लड्डू गोपाल और संतोषी माता। बस, क्या नाम है आपका पूरा? सिमरन अनिल पांडे। पढ़िए, कुल में देवी माता दुर्गा व ब्रह्म देव की पूजा करिए, यही है, यही बोल रहा है पर्चा। बोलो सीताराम। सीताराम ब्रह्म का स्थान है आपके यहाँ, उनकी आप पूजा करिए माता दुर्गा की, इसमें हमने मंत्र लिख दो और घर की मिट्टी लेके पहुंच जाइयो, जाओ अब तुम्हारे घरे अकाल मृत्यु नहीं होगी, कह दिया, बैसी नहीं होगी, होनी होनी अनहोनी नहीं होगी, होनी पर किसी का बस नहीं है, जो बता रहा उसको एक दिन मरना है,
जो दुनिया का पर्चा बना रहा उसको भी एक दिन मरना है, तो अनहोनी नहीं होगी, जाओ आशीर्वाद। निकल गया मुंह से तो निकल गया।